एक व्यूअर ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि रेलिवेंट टू और इररेलिवेंट टू क्या है। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। रेलिवेंट टू का मतलब होता है रिलेटेड टू, यानी संबंधित होना या के हिसाब से होना, जबकि इररेलिवेंट का मतलब होता है नॉट रिलेटेड टू। लगता है आप समझे नहीं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को शानदार तरीके से समझ सकें। जैसे मान लीजिए मैंने आपको टेंस का लेसन पढ़ाया और मैंने आपसे कहा कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन इस टॉपिक से संबंधित होना चाहिए, यानी आपका क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आपका क्वेश्चन किसी दूसरे लेसन से नहीं होना चाहिए। तो जब इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे रेलिवेंट टू। लेकिन मान लीजिए कि कंडीशन ऐसा हो कि आपने क्वेश्चन टेंस से नहीं पूछा बल्कि आपने क्वेश्चन किसी और टॉपिक से पूछा, जैसे आपने क्वेश्चन सिंथेसिस से पूछा या नरेशन से पूछा या ट्रांसफॉर्मेशन से पूछा, तो फिर मैं यहाँ पर कहूंगा आपका क्वेश्चन टॉपिक से संबंधित नहीं है या आपका क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ इस सेंटेंस में मैं इस्तेमाल करूंगा इररेलिवेंट टू। लगता है आप अभी भी कंफ्यूज हैं। मान लीजिए अगर आपको कहना हो आपका क्वेश्चन इस टॉपिक से संबंधित होना चाहिए या आपका क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे योर क्वेश्चन शुड बी रेलिवेंट टू दिस टॉपिक, यानी आपका क्वेश्चन इस टॉपिक से संबंधित होना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं इस सेंटेंस में मैंने लिखा रेलिवेंट टू, जिसका मतलब होता है से संबंधित यानी रिलेटेड टू। आमतौर पर इस तरह के सेंटेंसेस के लिए आप कहते हैं योर क्वेश्चन शुड बी रिलेटेड टू दिस टॉपिक। मान लीजिए अगर मैं कहूँ आपका क्वेश्चन इस टॉपिक से संबंधित नहीं है या आपका क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे योर क्वेश्चन इज इररेलिवेंट टू दिस टॉपिक, यानी आपका क्वेश्चन इस टॉपिक से इररेलिवेंट टू है, यानी संबंधित नहीं है या रिलेटेड नहीं है। अगर आपको कहना हो ये सब चीजें आपसे संबंधित है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दीज थिंग्स आर रेलिवेंट टू यू। आप ये भी कह सकते हैं दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू यू। लेकिन अगर आपको कहना हो ये चीजें आपसे संबंधित नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दीज थिंग्स आर इररेलिवेंट टू यू, यानी दीज थिंग्स आर नॉट रिलेटेड टू यू। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपने शानदार तरीके से सीखा कि जहाँ आप कहते हैं रिलेटेड टू वहीं पर आप बोलते हैं रेलिवेंट टू, और जहाँ आप कहते हैं नॉट रिलेटेड टू वहाँ आप कहते हैं इररेलिवेंट टू। तो फ्रेंड्स अगर वाकई आपने इस टॉपिक को शानदार तरीके से सीखा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।